से हजारों किलोमीटर दूर भेज दिया है। दूसरी ओर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। वजह है तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने बिहार में खेला करने का दावा किया था। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। तो सुना आपने, बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के वक्त तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था और कहा था कि बिहार में खेला तो अब शुरू होने वाला है। अब तेजस्वी के खेला वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्म है, क्योंकि 12 फरवरी को नीतीश सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना है। हालांकि मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि बिहार में कोई खेल नहीं होने वाला, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बिहार में तो एक ही चीज बाकी है कि फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को बहुमत मिलेगा। अगर यही खेला है तो खेला होगा। इधर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि खेला तो आरजेडी के साथ हो चुका है और आगे भी उनके साथ खेला होगा। देखिए, जिसके साथ खेला होता है ना, वही खेला होने का दावा करता है। राजद देख रही है कि उनके साथ खेला हो चुका है, अब वो दावा करती है खेला होगा। पता नहीं आने वाले वक्त में किसके साथ खेला होगा और क्या क्या खेला बाकी है, ये जनता देख रही है कि कहां कौन बिना मतलब का खेला में दिमाग लगाती है। जो खेला का दावा करती है ना, आने वाले समय में उन्हीं के साथ खेला हो जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग भी खेलना चाहते हैं और हम लोग भी खेल करेंगे। खिलाड़ियों के साथ क्या खेला करेंगे, हम लोग भी तो खिलाड़ी रहे हैं, तो वही खेला कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, खेला तो होगा, अगर खेल खिलाएंगे तो खेला जाएगा। नीतीश सरकार 12 फरवरी को बहुमत साबित करने वाली है। सवाल है कि क्या तेजस्वी का इशारा इसी ओर था, अगर हाँ तो अभी इसमें वक्त है। लेकिन इस खेल का कांग्रेस को डर जरूर सताने लगा है। पटना से रूपेंद्र और शिवम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर जी मीडिया से खास बातचीत में बीजेपी एमएलसी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम ने कहा कि विपक्ष की ओर से खेल होने जैसी बातें बेबुनियाद हैं। विपक्ष खुद घबराया हुआ है, कांग्रेस के विधायकों ने हैदराबाद में शरण ले रखी है। हमारे साथ है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी के मुख्य